आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है तो इलेक्ट्रोस्कोप एक बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम यह पता कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से चार्ज को डिटेक्ट किया जा सकता है अब इलेक्ट्रोस्कोप भी बहुत तरह के मिल जाएंगे आपको लेकिन हम इस वीडियो में जिस इलेक्ट्रोस्कोप की बात करने वाले हैं वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव और सबसे ज्यादा यूज होने वाला इलेक्ट्रोस्कोप है तो आइए पहले हम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के डिजाइन की बात करते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में सबसे पहले एक कांच का जार होता है जिसे हमने यहां पर जी से रिप्रेजेंट किया है और इस जार के ऊपर एक यहां कॉर्क लगी होती है और इस कॉर्क के बीचों बीच से होते हुए एक मेटल की रॉड इस ग्लास जार में एंटर करती है इस मेटल की रॉड का जो ये नीचे वाला एंड पॉइंट है यहां पर इसके साथ दो पतली पतली गोल्ड की लीव्स जुड़ी होती हैं एक तरह से ये पतली पतली सोने की पत्तियां हैं पतली पतली स्ट्रिप्स जिन्हें हमने यहां पर एल नाम दिया है इस मेटल की रॉड को हमने नाम दिया है आर मेटल रोड के सबसे ऊपर वाले एंड पर यहां पर एक मेटल की डिस्क लगी होती है जिसे हमने यहां पर डी कहा है हमने यहां मेटल की डिस्क इसलिए यूज की है क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट पे चार्ज हम डिटेक्ट करना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को अभी हम इस डिस्क के पास लाएंगे और उस ऑब्जेक्ट का चार्ज ये डिस्क आसानी से सेंस कर सके इसीलिए इस डिस्क का हमने एरिया थोड़ा ज्यादा रखा है इसलिए इसको इसे सर्कुलर शेप में हमने बनाया है अब मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज्ड ग्लास रॉड है इस पर चार्ज है या नहीं ये हमें नहीं पता किसी ने हमको ये रॉड दी है उसे पता है है, कि इस चार्ज लेकिन हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस पर चार्ज है या नहीं तो देखते हैं कैसे करते हैं हम ये सब तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी चार्ज्ड ग्लास रॉड है इसे हम इस इलेक्ट्रोस्कोप की मेटल डिस्क के साथ टच कर देते हैं जैसे ही हम टच करेंगे होगा ये कि ग्लास रॉड का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस मेटल की डिस्क पे आ जाएगा क्योंकि मेटल की डिस्क कंडक्टिंग है और ये चार्ज इस डिस्क से होता हुआ और उसके बाद इस मेटल की रॉड से होता हुआ इन गोल्ड लीव्स तक पहुंचेगा तो देखिए जैसे ही हमने ग्लास रॉड को मेटल डिस्क के साथ टच किया ग्लास रॉड का कुछ पॉजिटिव चार्ज मेटल डिस्क पे आ गया अब ये डिस्क भी मेटल की है और नीचे जो रॉड जा रही है इस कॉर्क से होती हुई ग्लास जार में वो भी मेटल की है और मेटल क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स होते हैं इसलिए मेटल डिस्क का कुछ चार्ज इस रॉड से होता हुआ यू अंदर की तरफ जाएगा और इसके बाद यही चार्ज इन दोनों गोल्ड लीव्स पर भी जाएगा दोनों पर सेम चार्ज जाने वाला है तो होगा क्या कि दोनों ही लीव्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो होगा क्या ये दोनों गोल्ड लीव्स एक दूसरे से यूं दूर दूर हो जाएंगी और जैसे ही ऐसा होगा हम समझ लेंगे कि इस रॉड पर कुछ ना कुछ चार्ज जरूर था अगर हमारी ग्लास रॉड पर नेगेटिव चार्ज होता तो इस मेटल की डिस्क पर भी नेगेटिव चार्ज आता यानी इलेक्ट्रॉन आते हैं और वो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे होते हुए इस रॉड से यहां गोल्ड लीव्स तक पहुंच जाते उस केस में दोनों गोल्ड लीव्स नेगेटिवली चार्ज हो जाती तब भी ये एक दूसरे को रिपेल ही करती क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं हमने ये सारी अरेंजमेंट ग्लास जार में इसलिए रखी है क्योंकि ग्लास जार में रखने से होगा ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इफेक्ट जो हैं वो इन इन गोल्ड लीव्स को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे ये गोल्ड लीव्स बहुत ही थिन है पतली हैं ये हवा से भी यूं हिल सकती हैं इसलिए हमने इनको एयर से प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्लास जार में रखा है सो so, यहां मैंने गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख दिया है और यहां मैंने शॉर्ट में इस इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग भी लिख दी है एक और बात ये गोल्ड लीव्स एक दूसरे से कितना ज्यादा दूर हटेंगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस ऑब्जेक्ट पे हम चार्ज को डिटेक्ट करना चाहते हैं उस पे चार्ज कितनी ज्यादा अमाउंट में है अगर इस ग्लास रॉड पे ज्यादा अमाउंट में चार्ज होता तो इस मेटल डिस्क पर भी ज्यादा चार्ज आता और इस तरह से रॉड से होता हुआ गोल्ड लीव्स तक भी चार्ज ज्यादा अमाउंट में पहुंचता और जितना ज्यादा चार्ज इन गोल्ड लीव्स पर आएगा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ये एक दूसरे पर लगाएंगी और उतनी ही ज्यादा दूर हो जाएंगी अब आइए एक सिचुएशन को और डिस्कस करते हैं मान लीजिए इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को अभी अभी यूज किया गया था जिससे हुआ यह कि इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे कुछ चार्ज रह गया जैसे कि फॉर एग्जांपल इस पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज रह गया है अब मान लीजिए मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को इसके पास लेकर के आता हूं जिस पर मुझे ये चेक करना है कि उस पर चार्ज है या नहीं अब मान लीजिए उस दूसरे ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव चार्ज ही है तो जैसे ही मैं इस रॉड को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के साथ टच करूंगा तो टच करते ही अगर इस रॉड पर चार्ज की अमाउंट ज्यादा है बहुत ज्यादा इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर से कुछ पॉजिटिव चार्ज हमारे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क पे आ जाएगा जिससे ये चार्ज फ्लो होता हुआ फिर से इन गोल्ड लीव्स के पास पहुंचेगा और ये एक दूसरे से और ज्यादा दूर हट जाएंगी दूसरा केस ये हो सकता है कि जिस रॉड को जिस ऑब्जेक्ट को मैं इसके साथ टच कर रहा हूं डिस्क के साथ उस पर अगर अपोजिट नेचर का चार्ज हो तो जैसे कि मान लीजिए इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास कुछ एक्सेस में तो इससे क्या होगा डिस्क का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएगा उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी जिससे इस रॉड का चार्ज भी थोड़ा कम हो जाएगा और गोल्ड लीव्स का चार्ज भी थोड़ा कम हो जाएगा इसका मतलब ये दोनों लीव्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगी क्योंकि इन पे चार्ज कम बचा है तो ये एक दूसरे को रिपेल भी कम करेंगी अगर ऐसा होता हुआ आपको नजर आए कि आप ऑब्जेक्ट को टच करें और लीव्स थोड़ी पास पास आ जाएं, तो आप समझ जाना कि इस रॉड के ऊपर कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है वो हमारे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे जो ऑलरेडी चार्ज था उसका बिल्कुल अपोजिट चार्ज है अपोजिट नेचर का चार्ज है एक सिचुएशन और यहां हो सकती है मान लीजिए कि हमारी इस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज कुछ ज्यादा ही अमाउंट में है यानी कि इस पे अपोजिट नेचर का तो चार्ज है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है तो इस सिचुएशन में क्या होगा हमारी इस नेगेटिवली चार्ज रॉड का जो नेगेटिव चार्ज है वो इतना ज्यादा क्योंकि हो गया है तो इस पूरे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के पॉजिटिव चार्ज को वो कैंसिल आउट कर देगा और हमारे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इससे होगा ये कि शुरू में ये हमारी जो गोल्ड लीव्स हैं ये एक बार तो पास पास आएंगी पास इसलिए आएंगी क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये रिड्यूस हो रहा है और जैसे ये पूरा पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अमाउंट में आ जाएगा तो दोनों लीव्स पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा और ये फिर एक दूसरे से दूर दूर हटने लग जाएंगी तो अगर चार्ज ज्यादा हो नेगेटिव चार्ज हमारी रॉड पर तो गोल्ड लीव्स क्या करेंगी एक बार तो पास पास आएंगी और उसके बाद फिर ये दूर हटने लग जाएंगी ये तब होगा जब हमारी रॉड के ऊपर अपोजिट नेचर का चार्ज हो गोल्डन इलेक्ट्रोस्कोप से और उसकी अमाउंट ज्यादा हो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो एक लास्ट बात ये कि अगर हमारे पास गोल्ड लीव्स ना हो यानि कि सोने की पतली पतली पत्तियां ना हो, तो हम एल्यूमिनियम की फॉइल्स या एल्यूमिनियम की छोटी छोड़ छोटी पत्तियों का भी यूज कर सकते हैं गोल्ड लीव्स की जगह जिससे हमारा गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप थोड़ा सस्ता बन जाएगा So, ये थी एक शॉर्ट वीडियो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में सकते हो थोड़ा बहुत उसके नेचर के बारे में भी पता लगा सकते हो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव लेकिन आप उस ऑब्जेक्ट पे चार्ज कितनी अमाउंट में है मतलब कितने कुलम चार्ज है उसका पता आप नहीं लगा सकते अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को एक लाइक कीजिए अगर आपको लगता है कि यह वीडियो शेयर करने लायक है तो इसे शेयर कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद